मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले के कोतवा नगर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे नगर परिषद कोतवा में आयोजित होने जा रही चौथी ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जौलपुर की टीम भी हिस्सा लेगी। मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन के अध्यक्ष मिलन मुखर्जी व महासचिव राजकुमार यादव ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रेमनगर मदन महल कालीवाड़ी मार्शल आर्ट एकेडमी और बिलहरी मार्शल आर्ट एकेडमी के ताइक्वांडो खिलाड़ी मध्य प्रदेश टीम दल में सम्मिलित होकर भाग लेंगे। प्रदेश टीम का नेतृत्व राजकुमार यादव द्वारा किया जाएगा। हाँ बेटा बताएं, आप कहाँ खेलने जा रहे हैं? हम अनूपपुर कोतवा जा रहे हैं। किस प्रतियोगिता में भाग लेंगे आप? हम ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ एमपी इंडिया में भाग ले रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है कि राज्य स्तर की? राष्ट्र। आपका नाम? मानव। जी सर बताएं। हमारे जबलपुर मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एकेडमी के 24 खिलाड़ी मध्य प्रदेश टीम दल में सम्मिलित हुए हैं, शामिल हुए हैं, और ये आगामी 29 से 31 दिसंबर को अनूपपुर जिले के कोतवा नगर में राष्ट्रीय चौथी ओपन ताइक्वांडो प्रतिस्पर्धा जो सम्पन्न होने जा रही है। इसमें हमारे खिलाड़ी जबलपुर शहर में के जो भी मार्शल आर्ट खिलाड़ी है विभिन्न क्लबों के ऐसे ही सम्मिलित होकर प्रदेश टीम में सम्मिलित हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने क्रिकेट में अपने अपने योग्यता अनुसार पदक जीत कर हमारे शहर को गौरवान्वित करें, और निश्चित रूप में हर बार हमारे बच्चे देश के कई राज्यों में प्रतियोगिताएँ हुए हैं, संपन्न हुए हैं, ऑनलाइन भी हुए हैं, उस पर भी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस करके इस कला क्षेत्र विधा में सफलता अर्जित की है। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी बच्चों को मैं अपनी शुभकामना देता हूं, और हमारे मार्शल आर्ट एकेडमी के कालीबाड़ी प्रेमनगर समिति के अध्यक्ष माननीय मिलन मुखर्जी ने आज सभी बच्चों को अपने शुभ आशीर्वाद के साथ शुभकामना देते हुए इनको बधाइयाँ दी है, और उम्मीद की है कि ये सारे बच्चे की मेरी शुभकामना के साथ कि ये मेडल लेके आए और 9 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आए, तो इनको पुनः दादा की तरफ से पुनः आशीर्वाद सभी बच्चों को प्राप्त किया गया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस खेल क्षेत्र से हमारे जबलपुर नगर के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी हैं वो भी आगामी स्तर में जो भी प्रतियोगिताएँ होगी उनको भी हम लोग सम्मिलित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की जाएगी? प्रतियोगिता अनूपपुर नगर के शहर में की जा रही है, और इसमें लगभग हमारे देश से 400 खिलाड़ी अपने अपने विभिन्न विभिन्न प्रदेश से सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे प्रदेश टीम में भी जितने भी हैं, जबलपुर हो गया, मंडला हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, और हमारा सिंगरौली हो गया, ये सभी जिले के हमारे खिलाड़ी जो हैं इस प्रदेश टीम में सम्मिलित हुए हैं। अपना परिचय दें। राजकुमार यादव, मार्शल आर्ट ताइक्वांडो कोच। अनूपपुर जिले से कोतवा शहर में मध्य प्रदेश का जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता है वो होने जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारे कालीबाड़ी के बच्चे एवं जबलपुर के विभिन्न जो कुछ कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे हैं वो हर साल के समान इस साल गोल्ड मेडल और विभिन्न मैदानों से जीतकर हमारे शहर का गौरवान्वित करेंगे, और मेरी पूरी सद्भावना उनके साथ में है, हर बच्चों के साथ में है। मैं चाहता हूँ कि खेल को और आगे बढ़ाने के लिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर हमारे बीच में। जबलपुर से कितने बच्चे जा रहे हैं? लगभग 21 से 22 बच्चे। सर अपना परिचय दें। मैं मिलन मुखर्जी, अध्यक्ष।